चलिए आगे बढ़ते हुए बात अब मध्य प्रदेश की करते हैं, जहां आज डिनर डिप्लोमेसी देखने को मिलेगी। दरअसल कमलनाथ आज विधायकों के साथ रात्रि भोज करने वाले हैं। विधायकों को डिनर के लिए न्योता दिया गया है। रात 8 बजे विधायकों को डिनर पर बुलाया गया है। बता दें आपको, राज्यसभा चुनाव से पहले विधायकों के साथ डिनर कमलनाथ करेंगे। राज्यसभा उम्मीदवारों के नामों का ऐलान जल्द होना है। एक सीट के लिए कांग्रेस के कई नेता इस दौड़ में शामिल हैं। 15 फरवरी नॉमिनेशन का आखिरी दिन है और आज 13 फरवरी को कमलनाथ ने विधायकों को बुलाया है डिनर के लिए। AICC हालांकि आज नामों का ऐलान कर सकता है, लेकिन आपको बता दें कि कमलनाथ के नाम को लेकर चर्चाएं चल रही थी, क्योंकि ये बताया जा रहा था कि दिल्ली में उन्होंने मुलाकात की सोनिया गांधी से और वहां पर उन्होंने बात रखी है कि वो राज्यसभा के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन इसी बीच दिलचस्प मोड़ तब आ जाता है जब सोनिया गांधी की एंट्री हो जाती है और ये खबरें निकलकर सामने आने लगी कि सोनिया गांधी मध्य प्रदेश से राज्यसभा जा सकती है। लेकिन बातचीत करेंगे हमारे साथ सूरज शर्मा, इस वक्त फोनलाइन पर संवाददाता जुड़ गए हैं। सूरज, क्या कुछ जानकारी? कल नॉमिनेशन का आखिरी दिन राज्यसभा के लिए 15 फरवरी को और 13 फरवरी को कमलनाथ तमाम विधायकों को डिनर पर बुलाते हैं। किस तरह की डिनर डिप्लोमेसी और क्या इसे शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जाए, जब अटकलें लग रही हों उनके राज्यसभा के नाम के लिए? नॉमिनेशन में 2 दिन का समय और ऐसे में उसके 2 दिन पहले कमलनाथ की डिनर डिप्लोमेसी बहुत कुछ संदेश देती है कि खासतौर से हम देख रहे हैं दिल्ली में सोनिया गांधी की मुलाकात के बाद ही अटकलें बढ़ गई कि कमलनाथ राज्यसभा जा सकते हैं, क्योंकि फिलहाल वो छिंदवाड़ा से विधायक हैं, प्रदेश अध्यक्ष का पद भी छोड़ चुके हैं। ऐसे में अब कहीं ना कहीं अपर हाउस जाने की उनकी तैयारी है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमने देखा पूरे देश के अलग अलग राज्यों से खासतौर से पत्र लिखा गया सेंट्रल को कि किस तरीके सोनिया गांधी को उनके राज्य से राज्यसभा भेजा जाए, तो ऐसे में सियासी जो सरगर्मियां वो बढ़ चुकी हैं और खासतौर से आज रात को 8 बजे कमलनाथ के सरकारी निवास पर तमाम विधायकों को डिनर के लिए बुलाया गया है। संभावना यही है कि आज शायद सब राज्यसभा के लिए कांग्रेस अपना जो कैंडिडेट है वो भी घोषित कर सकती है, तो ऐसे में एक बड़े चेहरे के तौर पर कमलनाथ भी हैं। इनके पीछे भी बात करें तो अरुण यादव की चर्चा भी है जीतू पटवारी की, लेकिन जीतू पटवारी स्पष्ट तौर पर मना कर चुके हैं। तो ऐसे में कमलनाथ के बाद सोनिया गांधी ने 2 नेता हैं जिनकी चर्चा ज्यादा है। देखना ये होगा कि आज को 8 बजे इस डिनर के बाद किस प्रकार की डिप्लोमेसी निकलकर सामने आती है। शुक्रिया सूरज, लेकिन देखना यह भी होगा कि जब AICC की ओर से कहा जा रहा है कि आज संभवतः नाम का ऐलान हो सकता है राज्यसभा के उम्मीदवार के लिए, तो वो कमलनाथ होंगे या सोनिया गांधी होंगी। और अगर वर्तमान में विधायक कमलनाथ, जो कि अब ना मुख्यमंत्री है ना उनके पास प्रदेश अध्यक्ष का किसी तरह का पद है, तो क्या केवल विधायकी तक वो सीमित रह जाएंगे? राज्यसभा के लिए अगर उनका उम्मीदवार का नाम नहीं आता है तो उनके सियासी भविष्य को लेकर भी अब चर्चाएं जोर पकड़ेगी।